सुपौल शहर के वार्ड नंबर 11 में एक शख्स ने अपने ही चचेरे भाई को चाकू से गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। हालांकि स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, वहीं पुलिस मामले की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। दरअसल घटना सुपौल शहर के गोड़ियाड़ी मोहल्ले के वार्ड संख्या 11 की है, जहां के रहने वाले सरोज कुमार नाम के युवक को उसके ही चचेरे भाई संतोष कुमार उर्फ भक्ता उर्फ बादशाह ने मामूली विवाद में हुए झगड़े को लेकर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में सरोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। इधर स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पहले तो जमकर पीटा, फिर सुपौल सदर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं सुपौल सदर SDPO कुमार इंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सदर क्षेत्र में घटना घटी है जिसमें एक लड़के को चाकू लगने से उसकी मृत्यु हो गई है और चाकू मारने का आरोप जो है उसके चचेरा भाई के ऊपर है। चचेरा भाई को भी अभी हिरासत में ले लिया गया है। सर, उसको स्थानीय लोगों द्वारा मारपीट कर पुलिस को सुपुर्द करने का मामला, उसको जो है पकड़ा गया है, पकड़ करके सुपुर्द किया गया है और अभी हिरासत में है। अभी तक क्या खुलासा हो पाया घटना के कारणों का? घटना अभी चूंकि प्रथम दृष्टया लोगों से बातचीत हुई है, अभी आवेदन प्राप्त नहीं है। आवेदन प्राप्त हो जाता है और हम लोग छानबीन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बताना संभव होगा। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say 24 Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।